अगर आप भी मैगी खाने वालों में से हैं तो थोड़ा सावधान हो जाएं, क्योंकि आपको सतर्क होने की ज़रूरत है, खासकर लड़कों को। जिस मैगी का स्वाद आपको इतना लजीज लगता है और आप मैगी को बड़े ही मज़े से खाते हो, आपको पता भी नहीं होगा कि ये मैदे और ना जाने कितने हार्मफुल इन्ग्रीडियंट से बनी मैगी आपके सेहत के साथ क्या क्या खिलवाड़ कर रही है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये भी पता लग जाएगा कि क्या मैगी सच में 100% वेजिटेरियन है या कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है अभिजी। और दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको मैगी खाने के 5 साइड इफ़ेक्ट बताने वाले हैं, जिसे जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद ही डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको मैगी का कंजप्शन करना चाहिए, यानी कि मैगी को खाना चाहिए या नहीं। तो हमारे 5 साइड इफ़ेक्ट में से पहला जो कि है मैदा, मैगी हो या फिर कोई भी अदर नूडल्स हो, वो चीज़ 80-90% मैदे से ही बनी होती है। कुछ गिने चुने नूडल्स हैं मार्केट में जो कि आटे वगैरह से बनी होती है, पर मेजॉरिटी नूडल्स मैदे से ही बनी होती है। मैदा आटे के मुकाबले डाइजेस्ट होने में दुगना समय लेता है, मतलब कि यदि आटा पचने में 4 घंटे का समय लेता है, वहीं मैदा 8 घंटे का समय लेगा। और जो चीज़ जितनी ज़्यादा देर तक हमारे पेट में रहेगी उतनी ही ज़्यादा हानि पहुंचाएगी। और आपको पता होगा कि मैदे में ना तो कोई पोषक तत्व होता है और ना ही फाइबर होता है, जिसके कारण इसे खाने पर ये अच्छी तरह पच नहीं पाते हैं और आँतों से जाकर चिपक जाते हैं। और अगर मैदे से बनी व्यंजन ज़्यादा मात्रा में खाया जाए तो पेट से जुड़ी कई परेशानियां शुरू हो जाती है। और आपको तो पता ही होगा कि सभी बीमारी का जड़ पेट ही होता है, तो हमारे लिए अच्छा यही होगा कि नूडल्स जैसी चीज़ों का सेवन बहुत ही कम कर दें। यदि आपको जानना है कि मैदा कैसे बनता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। और अब चलते हैं दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ, जो कि है सोडियम। मैगी में नमक की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। मैगी का जो 5 रुपये वाला पैकेट आता है, जिसका वज़न लगभग 70 ग्राम के आसपास होता है, उसमें लगभग 850 मिलीग्राम सोडियम डाला जाता है, जो कि आपके बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सो अगर जिन लोगों को बीपी की प्रॉब्लम है, मीन्स हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है, उनको मैगी एकदम से बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें सोडियम की मात्रा काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। तो चलिए बात करते हैं तीसरे नंबर की। जो तीसरा साइड इफ़ेक्ट है वो है ट्रांसफैट। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मैगी में ज़्यादा मात्रा में ट्रांसफैट होता है। ये जो 70 ग्राम वाले मैगी है, इसमें 0.7 ग्राम ट्रांसफैट पाए जाते हैं। ये अमाउंट उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि ट्रांसफैट्स हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ट्रांसफैट्स हमारे बॉडी को किस तरह से नुकसान पहुँचाते हैं। ये जो ट्रांसफैट है, ये हमारी बॉडी में जाकर कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देती है। कोलेस्ट्रॉल भी 2 प्रकार के होते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। ये ट्रांसफैट गुड कोलेस्ट्रॉल को कम कर देते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देते हैं, जिससे कि हार्ट और लीवर से जुड़ी कई बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके चौथे साइड इफ़ेक्ट्स की, जो कि है फैट। मैगी खाने से आपको वज़न बढ़ने जैसी अन्य समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट की अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए मैगी मैदे से बने होने के कारण डाइजेस्ट होने में ज़्यादा समय ले लेता है, जिस कारण ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और वो फैट्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण मैगी का ज़्यादा कंजप्शन करने वाले लोग मोटापे जैसी समस्या का शिकार हो जाते हैं। यदि 100 ग्राम फूड में 8 ग्राम तक फैट है, तो उतना आपकी बॉडी के लिए नॉर्मल होता है, मीन्स उतना आपकी बॉडी डाइजेस्ट कर लेती है। लेकिन उससे अगर ज़्यादा अमाउंट में फैट्स आपके फूड में है, तो आपका वेट बढ़ने लगता है। आपको बता दें कि मैगी के पर 100 ग्राम में 15 ग्राम से भी ज़्यादा फैट्स होती है, जो कि आपके बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मैगी के 5वें साइड इफ़ेक्ट्स की। आपको बता दें कि मैगी खाने से आपको ना तो मिनरल्स मिलते हैं, ना विटामिन्स, ना फाइबर। मैगी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मैगी बस एक एनर्जी फूड है, जिससे बस आपको एनर्जी मिलती है, जो कि वेट गेन का सबसे बड़ा रीज़न है। सो अगर आप सोच रहे हैं कि मैगी को ब्रेकफास्ट के तौर पर लेना सही रहेगा, तो आप बिल्कुल गलत हैं। काफ़ी लोग मैगी को ब्रेकफास्ट या डिनर की जगह पर मैगी का कंजप्शन करते हैं, जो कि बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि मैगी से आपको कुछ एनर्जी के अलावा कुछ कार्बोहाइड्रेट और कुछ कैलोरी के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है।
सो दोस्तों अब हम बात करते हैं MSG और लेड की, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं इसे हमेशा मैगी के साथ जोड़कर देखा जाता है। आपको बता दें कि MSG मतलब मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है, जो कि एक प्रकार का नमक है। इसे दूसरी भाषा में अजीनोमोटो भी कहा जाता है, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है। इसे धीमा जहर भी कहा जाता है। इसे मोस्टली चाइनीज़ फूड में MSG को फ्लेवर बढ़ाने के लिए डाला जाता है। आपको पता होगा कि 2015 में मैगी को इंडिया में बैन कर दिया गया था, जिसका मेन रीज़न था कि मैगी में MSG और लेड की मात्रा पाई गई थी। लेकिन बाद में मैगी अपने प्रोडक्ट में सुधार करके अपनी वापसी कर चुका है। आपको बता दें कि MSG का रेगुलर यूज़ माइग्रेन, मोटापा, बांझपन, अनिद्रा, यहाँ तक कि कैंसर जैसी बड़ी समस्याओं का भी कारण बन सकता है। सो अब हम बात कर लेते हैं कि क्या मैगी को डेली खाना सेफ होगा। तो इसका जवाब है हाँ, आप मैगी को डेली खा सकते हैं, लेकिन ये बस आपके लिए एक एक्सटर्नल चॉइस होनी चाहिए। मतलब कि ये नहीं कि आप अपने ब्रेकफास्ट या डाइट को छोड़कर उसकी जगह पर मैगी को ही खाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये आपकी सेहत पर भारी पड़ सकता है। और आखिर में आपके मन में ये सवाल ज़रूर होगा कि मैगी वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन। हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी कि मैगी को फैक्ट्री में किस तरह से बनाया जाता है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो पर कई लोगों ने हमसे कमेंट करके पूछा था कि मैगी में मांस का प्रयोग किया जाता है क्या। तो आज हम ये पूरी तरह से क्लियर कर देते हैं कि मैगी पूरी तरीके से 100% वेजिटेरियन है, मतलब शाकाहारी है। इसमें किसी भी प्रकार के मांस का प्रयोग नहीं किया जाता। आपको पता होगा मैगी के कई सारे वैरायटीज़ और फ्लेवर्स मार्केट में मौजूद हैं, जिसमें से एक है चिकन फ्लेवर। सिर्फ ये ही मैगी की एक ऐसी वैरायटी है जो कि नॉन वेज है। इसको बनाने में चिकन का यूज़ किया जाता है। इसको छोड़कर बाकी सारे मैगी के फ्लेवर्स पूरी तरीके से शाकाहारी हैं। तो दोस्तों इतनी सारी जानकारी मिलने के बाद अब आप समझ चुके होंगे कि मैगी को खाना है या नहीं खाना है, या फिर कितनी मात्रा में खाना है। ये सब आप खुद तय कर सकते हैं। और मुझे मैगी की एक बात आज तक समझ में नहीं आई, और मैगी ने मार्केट में एक भ्रम पैदा किया हुआ है, और इसी भ्रम के नाम पर मैगी अपना अरबों का बिजनेस करते आ रही है कि आप मैगी को सिर्फ 2 मिनट में ही खाने के लिए तैयार कर सकते हैं। मैगी के हर पैकेट में आपको 2 मिनट में खुशियाँ, ये टैगलाइन ज़रूर देखने को मिलेगी। पर मैंने बहुत बार मैगी को बनाने का ट्राई किया, पर आज तक 2 मिनट में मेरे से मैगी बनी ही नहीं। पर मैगी कंपनी खुद कहती है कि पैकेट में जिस तरह से मैगी बनाने के इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं, यदि आप उस तरह से मैगी को बनाएंगे तो मैगी 2 मिनट में ज़रूर बन सकती है। अगली बार आप मैगी जब भी बनाओ तो एक बार मैगी के पीछे 2 मिनट में बनाने का इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ लीजिएगा। वैसे हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप मैगी को कितने मिनट में बना लेते हैं, बताइएगा ज़रूर। ज़रा हमें भी पता चले कि कितने लोगों ने 2 मिनट में बनाया है मैगी को। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर ऑल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट करें। अब आपकी स्क्रीन पर 2 वीडियो और दिख रही होगी, दोनों वीडियो बहुत ही अच्छी है। वीडियो पर क्लिक करके वीडियो को ज़रूर देख लें।